शुक्रवार को जिला उपाध्यक्ष प्रेरक संघ मनोज यादव के नेतृत्व में नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रेरकों की संविदा बहाली और प्रेरकों के बकाया भुगतान के लिए चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के दौरान एक बैठक का आयोजन किया गया। प्रेरक और संविदकों का 30 से 40 माह का बकाया भुगतान अभी तक नहीं मिला है। इस दौरान आनंद कुमार, सत्य प्रकाश यादव, शमीम खान, रुखसाना, गजेंद्र सिंह सहित अन्य प्रेरक उपस्थित रहे। आज प्रेरक संघ गोरखपुर के जिलाध्यक्ष मृत्युंजय पांडे के नेतृत्व में जो अनिश्चितकालीन धरने का प्रारंभ 18 जून से प्रारंभ हुआ है, आज वो पांचवा दिन है। उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ है। इस पर जिलाध्यक्ष मृत्युंजय पांडे के साथ साथ आती है प्रेरक संघ गोरखपुर ये ऐलान कर चुका है इस आज के इस मीडिया के द्वारा 30 से 40 माह का मानदेय रोक करके रखा हुआ है और अभी 2000 रुपये का मानदेय वो सरकार हमें नहीं दे पा रही है। मित्रों, 30 से 40 महीने का मानदेय ये सोचा जा सकता है कि अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी चाहे वो अध्यापक हो या किसी भी विभाग में हो, यदि उसका 1 से 2 माह का मानदेय रुक जाता है तो वो शासन प्रशासन के नाक में दम कर देता है। आज इस बेरोजगारी के युग में 2000 रुपये मानदेय जो 31 मार्च को इस सरकार ने हमारी योजना को समाप्त किया है, या तो ये घोषणा कर दे कि आपकी योजना समाप्त हो गई ताकि हम अन्य कोई कार्य करके अपनी रोजी रोटी को चला सकें, अन्यथा ये सरकार हमारे मानदेय को बढ़ाते हुए, हमारी कार्यशैली को बढ़ाते हुए, हमारी कार्ययोजना को बढ़ाते हुए हमें समायोजन का अधिकार दे और हमें भी इस जिल्लत भरी जो जिंदगी जी रहे हैं उससे उबारने का कार्य करें।